हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून एंड वेलकम आई साइंस पीरियड लास्ट पीरियड हम देख रहे थे टेंथ चैप्टर दैट इज मेजरमेंट्स एंड सम ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आई कैन एक्सप्लेन इन दिस प्रीवियस पीरियड दैट इज द लेंथ वेट टाइम और वैल्यूम यहाँ तक हमने देखे हैं लेंथ मैंने आपको बताया था उसी के साथ साथ वेट किस तरीके से और वेट मशीन का यूज़ करके वेट किया जाता है या फिर बैलेंस का यूज़ करके आ, कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पे मेज़र किए जाते हैं उसके बाद फिज़िकल बैलेंस यहाँ पे बताया था इसके यूनिट बताए थे उसके बाद हमने देखा था टाइम ओके टाइम किस तरीके से होता है ट्वेंटी फोर हावर्स इन अ डे सिक्सटी मिनट्स इज इक्वल टू वन हावर एंड सिक्सटी सेकेंड्स इज इक्वल टू वन मिनट दैट इज़ हावर हैंड सेकेंड हैंड एंड मिनिट हैंड दैट इज द थ्री हैंड इन दिस क्लॉक एंड दिस क्लॉक डिवाइडेड इंटू ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स ओके देन नेक्स्ट इज वैल्यूम वैल्यूम के बारे में बताया था लीटर्स और मिली लीटर्स वन थाउजेंड मिली लीटर्स इज इक्वल वन लीटर ओके देन वन हाफ एंड वन लीटर वैल्यूम इट इज फाइव हंड्रेड एम एल उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो है टेम्परेचर यानी तापमान जो होता है उस टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है ओके सो वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर ओके थर्मामीटर का यूज़ करके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है ओके okay. थर्मामीटर आप यहाँ पे देख सकते हो लेबोरेटरी थर्मा थर्मामीटर है और एक क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके सो थर्मामीटर का यूज़ करके हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर का यूज़ होता है और रूम थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर्स फ्रॉम जीरो ऑन सेल्सियस टू वन हंड्रेड ऑन सेल्सियस ओके रूम रूम थर्मोमीटर रूम थर्मोमीटर जो मेजर करता है वो टेम्परेचर्स जीरो से लेके वन हंड्रेड ऑन सेल्सियस तक ये रूम uh, थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर अभी इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम बात कर रहे हैं सो क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स और बॉडी टेम्परेचर फ्राम थर्टी फोर ऑन सेल्सियस टू फोर्टी फोर ऑन सेल्सियस ओके ये जो क्लीनिकल थर्मामीटर है क्लिनिकल थर्मामीटर थर्टी फोर टू फोर्टी फोर ऑन सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है ओके okay. मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना है तो हम क्लीनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं डॉक्टर जो यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर सो थर्टी फोर टू फोर्टी फोर ऑन्स सेल्सीस और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी सेवन यानि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है थर्टी सेवन ओके नॉर्मल यानी कम से कम थर्टी सेवन अनु सेल्सियस टेम्परेचर हमारे बॉडी का होना चाहिए ओके थर्मामीटर शोज़ अ हायर टेम्परेचर इट मीन्स दैट वी हैव फीवर मतलब समझो कि थर्टी सेवन अनु सेल्सियस से ज़्यादा अगर आपका टेम्परेचर है आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको फीवर है ओके okay? मतलब आपको फीवर हो गया है ये इससे डिसाइड होता है तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है थर्टी सेवन आं सेल्सियस दैट इज़ नाइनटी एट अभी यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको बताए गए हैं सबसे पहले मैंने आपको टेम्परेचर तो बताया दिस इज़ तापमान या फिर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं ओके okay? बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज होता है रूम थर्मामीटर मीटर अंश सेल्सियस से वन हंड्रेड सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर करता है कौन रूम थर्मामीटर और उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है ये क्लिनिकल थर्मामीटर थर्मामीटर थर्टी फोर अंश सेल्सियस से फोर्टी फोर अंश सेल्सियस तक बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है ओके और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज थर्टी सेवन अंश सेल्सियस ओके ईव द थर्मामीटर शोज़ अगर थर्मामीटर ने हायर टेम्परेचर अगर मेजर किया है 37 से ज़्यादा अगर यहाँ पे टेम्परेचर उसने मेज़र किया है सो दैट मीन्स फीवर यानी हमें फीवर हो गया है ये इसका कारण हो सकता है तो ध्यान में रखना थर टेम्परेचर दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर ये लेबोरेटरी में यूज होते हैं ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हम अपने खुद के लिए या फिर डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर ओके सो सिंबल्स यूज फॉर मेजरमेंट कुछ सिंबल्स यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें मेजर मेजरमेंट लिया जाता है अभी यहाँ पे देखिए किलोमीटर किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है के एम ओके स्मॉल के एम दैट इज़ किलोमीटर किलोग्राम के जी लीटर एल डिग्री सेल्सियस अंश सेल्सियस सी मीटर एम ग्राम जी मिलीमीटर एम एल डिग्री फ़ारेनहाइट, अंश एफ सेंटीमीटर सी एम मिली एम जी मिलीमीटर एम एम एंड सेकेंड यस ओके ये सिंबल्स है जो मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं ओके दैट इज़ किलोमीटर के एम किलोग्राम के जी लीटर एल डिग्री सेल्सियस ऑन्स सी मीटर एम ग्राम जी मिलीमीटर मीटर एम एल डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन्स एफ सेंटीमीटर सी एम मिली एम जी मिलीमीटर एम एम एंड सेकेंड एस ओके तो यहाँ से इस तरीके से आपका चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है तो वैल्यूम क्या है देखिए की वर्ड्स में द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाय सब्सटेंसेस वैल्यूम मतलब आप जो अमाउंट यूज कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन अप बाईज बाय अ सब्सटेंस वैल्यूम क्या है कि आप अगर कोई वाटर ले रहे उसमें अगर आप कोई चीज़ अगर डाल रहे हैं वो स्पेस टेकन कर रही है दैट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ वैल्यूम तो वैल्यूम यहाँ पे कम ज़्यादा होगा टेम्परेचर द कंडीशन ऑफ हीट और कोल्ड ऑफ अ बॉडी और एन एरिया ओके टेम्परेचर का यूज़ क्या है ये अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था ओके okay. टेम्परेचर का यूज़ तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करने वाला हूँ इसी पीरियड में तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन uh, आंसर यहाँ पर फिल करने हैं ओके okay. और बहुत ही ईजी है आप यहाँ पर देख सकते हैं इन वॉट यूनिट्स विल यू मेजर द फॉलोइंग थिंग्स टिक द करेक्ट ऑप्शन ओके लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ मतलब क्लॉथ जो है क्लॉथ की लेंथ आप किससे मेजर करोगे किलोमीटर सेंटीमीटर और मीटर तो सही ऑप्शन है हमारा मीटर ओके उसके बाद वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स आप किस में मेजर करते हैं तो किलोग्राम में ओके किलोग्राम में अब बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक किससे होती है अभी आप देखिए किलोग्राम है किलोग्राम में कोल्ड ड्रिंक नहीं होती है उसके बाद मिलीमीटर है और यहाँ पे है लीटर मतलब एल यूनिट दिया गया है सो so, लीटर ओके एंड डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड पटना तो यहाँ पे किलोमीटर होना चाहिए और उसके बाद है शुगर शुगर आप काउंट कर रहे हैं तो मिलीग्राम किलोग्राम एंड लीटर तो हम किलोग्राम में शुगर लेते हैं ओके वन के जी टू के जी इस तरीके से अब यहाँ पे से व्हाट टाइम दिस क्लॉक्स आर टेलिंग क्लॉक में कितने बजे ये आपको यहाँ पे देख के यहाँ पे लिखना है सो टेन बाई सिक्स दस बज के छः मिनट हो गए ओके टेन सिक्स इलेवन फाइव ओके इलेवन फाइव और एट ट्वेंटी वन ओके एट ट्वेंटी वन हो गए यहाँ पे ये आपको लिखना है उसके बाद है राइट डाउन द फॉर्म ऑफ ईच यूनिट सो सी सेंटीमीटर के किलोग्राम के एम किलोमीटर एम एल मिली मीटर एम एम मिली और एल फॉर लीटर ओके उसके बाद आंसर द फॉलोइंग ये मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा ओके okay. आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा दिखा तो व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 सेवन आन सेल्सियस ओके यहाँ पे दिया है थर्टी सेवन आन सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है थर्टी सेवन आन सेल्सियस वाई डू वी नीड मेजर थिंग्स ओके आई प्रॉपर डिस्टेंस लेंथ वेट इन टाइम एंड टेम्परेचर ओके प्रॉपर थिंग्स वाई डू वी नीड मेजर थिंग्स मेजर थिंग्स किस लिए जरूरी है कि हम प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन uh, निकाल सके इसलिए आई कैन नॉट वी रिले ऑन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ओके सो बिकॉज विथ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कैन नॉट मेजर थिंग्स प्रॉपरली ओके जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है ये प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते ओके okay? तो मैं ये सभी आपको टेक्स्ट मैसेज करने वाला हूँ हाउ डू वी मेजर लॉन्ग एंड शॉर्ट Distances okay, so very long distances are measured in kilometer, and short distance are measured in milli. Okay, long distance measured in kilometer, and short distance is measured in meter. Okay, then how many hours do, uh, does a day have? So 24. हावर्स इन अ डे ओके ट्वेंटी फोर हवर्स इन अ डे तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्सरसाइज भी बताई है लेकिन ये भी मैं आपको टेक्स्ट मैसेज करने वाला हूँ ओके okay? तो आज के लिए इतना ही आज हम रुकेंगे यहीं पर गुड बाय टेक केयर